हे गाइस वेलकम टू आवर चैनल। तो फाइनली काफ़ी लंबे इंतजार के बाद वन प्लस नॉट 2 का ऑफिशियल रेंडर निकल के आ चुका है, जो कि पॉसिबल हो पाया है 91 मोबाइल एंड वन लिक्स के कोलैबोरेशन के वजह से। वैसे तो वन प्लस नॉट 2 का हर एक स्पेसिफिकेशन पहले ही कंफर्म हो गया था, मैंने भी वीडियो बना के रखा है दोस्तों। यहाँ पे आप सभी को पता है वन प्लस नॉट 2 जुलाई के अंदर ही लॉन्च होने वाला है। जितना नज़दीक इसका लॉन्च डेट आ रहा है ना, उतना ही धीरे धीरे करके इसके बारे में डिटेल रिवील होते जा रहा है। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे वन प्लस नॉट 2 कैसा दिखने वाला है और क्या कुछ फीचर जो है रिवील हो चुका है। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप लोगों को बस लाइक कर देना है एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आप लोगों को ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। सो लेट्स गेट इन टू दिस वीडियो। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली वन प्लस नॉट 2 का फर्स्ट लुक हम लोगों को कुछ इस तरीके से मिलेगा। काफ़ी हद तक सिमिलर वन प्लस 9R जैसा ही बैक साइड में आप लोगों को ट्रिपल लेयर कैमरा हाउसिंग के साथ बैक साइड का डिज़ाइन दिखने को मिल जाता है, लेकिन जो थर्ड सेंसर और LED फ्लैश लाइट है ना, इसका जो पोजिशन है थोड़ा सा चेंज किया गया है। 9R से आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा वन प्लस नॉट 2 के अंदर। बाकी यहाँ पे एज इट इज़ सिमिलर फ्रंट साइड में भी आप लोगों को पंच होल कटआउट के साथ अपर लेफ्ट कॉर्नर में सेल्फी शूटर कैमरा दिखने को मिल जाता है। काफ़ी छोटा चिन और बेजल्स आप यहाँ पे इमेज में देख पाओगे। साथ ही साथ यहाँ पे डिस्प्ले 6.4 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ 90Hz रिफ्रेश रेट, HDR10+ एंड फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ आने वाला है वन प्लस नॉट 2 इस फ़ोन के अंदर। बैक साइड में ट्रिपल लेयर कैमरा हाउसिंग मिलेगा, जहाँ पे आप लोगों को मेन प्राइमरी शूटर दिखने को मिलेगा। सोनी IMX766 कन्फर्म हो चुका है। 50MP का सेंसर होने वाला है, बाकी एडिशनल 8MP अल्ट्रा वाइड एंड 2MP का आप लोगों को मैक्रो सेंसर दिखने को मिलेगा। फ्रंट फेसिंग कैमरे के बारे में पहले कन्फर्मेशन नहीं मिला था, लेकिन अब जो है कन्फर्म हो चुका है। 32MP सेल्फी शूटर कैमरे के साथ आने वाला है वन प्लस नॉट 2। बाकी यहाँ पे दोस्तों आप सभी को पता है MediaTek Dimensity 1200 सीरीज चिपसेट के साथ लॉन्च होने वाला है। 6nm फैब्रिकेशन बेस्ड चिपसेट है, काफ़ी पावरफुल चिपसेट है, और साथ ही साथ यहाँ पे 8GB 12GB रैम रोम वेरियंट मिलता है 128GB एंड 256GB के साथ इंटरनल स्टोरेज, UFS 3.1 के साथ स्टोरेज टाइप एंड LPDDR4X रैम टाइप भी दिखने को मिलेगा। दोस्तों इसी के साथ आप लोगों को ऑक्सीजन वेस यूज़र इंटरफेस एंड एंड्रॉयड 11 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे अगर बातें करेंगे बैटरी के बारे में तो 4500mAh बैटरी के साथ 33 वाट तक आप लोगों को फास्ट चार्जिंग देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पे फास्ट चार्जिंग कितना हो सकता है इसके बारे में अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं निकल के आया है। दोस्तों वन प्लस नॉट 2 आप सभी को पता है जुलाई के अंदर लॉन्च होने वाला है। सो बस और कुछ ही दिन बाकी है, जून खत्म होने वाला है एंड जुलाई आने वाला है और यहाँ पे वन प्लस नॉट 2 भी लॉन्च होने वाला है। सो यहाँ पे प्राइसिंग के अलावा सब कुछ कन्फर्म हो चुका है। पहले तो डिज़ाइन भी कन्फर्म नहीं हुआ था, लेकिन अब जो है डिज़ाइन भी कन्फर्म हो चुका है, सिर्फ यहाँ पे प्राइसिंग बाकी है। मुझे जहाँ तक लग रहा है दोस्तों प्राइसिंग हो सकता है 30 से लेकर 35,000 के आसपास में लॉन्च हो जाए। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कितना प्राइस हो सकता है वन प्लस नॉट 2 का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मुझे बताना आपके हिसाब से क्या लगता है वन प्लस नॉट 2 कितना प्राइस में लॉन्च होगा इंडिया में। सो आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।